Hey everyone, welcome back to Fly Rectus Vlogs. I am Gaurav Rajkumar Singh Rathod and these are my friends. Nitin ko pehchante ho. Cookie, Cookie Chef first time there again. Cookie first time there saath mein. Shubham Rimza, right? Dada. और ये मेरा भाई लाला हरचंद्र सिंह राठौर. तो आज हम लोग जा रहे हैं शीतलामाता वाटरफॉल. एक्चुअली अभी दो लोग और आने वाले हैं, विपुल खुंटे और अभिषेक, जिनको आप पहचानते ही हो, जो हमेशा मस्ती करते हैं और हमेशा लेट करते हैं. आज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया. एक्चुअली दोपहर हो चुकी है लेकिन जाना है तो जाना है. अभी हम लोग जाएंगे इनके पास, उन्हें वहाँ से पिक करेंगे, देन जर्नी स्टार्ट करते हैं. फुल बॉचिंग विपुल आ चुका है. एक्चुअली ये आए नहीं है, हम इनके घर आए को उठाने. ये हमेशा तैयार होने में 2 घंटा रहते हैं और ये तैयार हूँ. मैं बोलता है कि उसकी वजह से लेट हुआ. अच्छा तू कब आ गया था बता. ये 1:15 और मैं 1 बजे. मेरे को तो चाय पीना भाई. चाय पता पुणे से लगवा दूँ यार चाय की. Cheers. मैं जैसे ही काम पास हो बात कर चाय पी लूँगा. इतना माता के लिए इधर है, वाचू पॉइंट के लिए डायरेक्ट है. ओके गाइस, सो वी हैव रीच्ड शीतलामाता फॉल. गाड़ी हमने ऊपर पार्क कर दी है और यहाँ से पैदल चलकर नीचे जाना होता है. बीच में है माता जी का मंदिर जो कि गुफा के अंदर है. तो अभी माता जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं, देन उसके बाद और नीचे थोड़ा सा अराउंड 1 किलोमीटर में ट्रैक करके जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक्चुअल में फॉल. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस फॉल इज की एक लाइट बेटर है. ब्यूटी ऑफ दिस फॉल इज की इस फॉल को आप नीचे खड़े होकर ऊपर से गिरता हुआ देखते हो, उसका मजा ही कुछ और है. ये माता जी का मंदिर जो थोड़ा सा ही नीचे चलने के बाद आ जाता है. अभी ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया. लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था और ये मंदिर जो है गुफा के अंदर है. एक बार में कुछ दो लोग ही आ सकते हैं. माता जी के मंदिर के जस्ट साइड में छोटा सा फॉल टाइप है, पानी गिर रहा है. ये हमेशा नहीं रहता है, तो बारिश है इसलिए इतना पानी यहाँ पर. लेकिन ट्रैकिंग में मजा आ रहा है. हाँ इसीलिए गाइस ट्रैक तो बड़ा खतरनाक है. Thank you.
ये देखो इन पत्थरों से चल के आना है और इन पत्थरों के बीच से निकल कर आना है। शानदार ट्रेक है, बहुत मजा आ जाएगा। आओ यार, ट्रेकिंग का मजा इधर है। इसके जमाने में यही वो पत्थर है जिसको मैंने हरकुलिस के जमाने में रोका था, अभी तक रोके रखा हूँ इस पत्थर को पकड़े हुए। लफास वो छोटा वाटरफॉल देखा कि नहीं? लिटिल वाटरफॉल प्लीज सी। See there, one little waterfall is there. You can see there are so many little waterfalls are there. आगे एक और है. And there is again one very big stone, a rock. अच्छा, इसको किसने रोका था? ये भी हड़प्पा के जमाने में है ना, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भरा गया था, तो इस टाइम पे यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए ये रॉक को मेरे को रोकना पड़ा था। इस रॉक के पीछे मैंने काफी सारे बच्चों को बचाया था, बहुत लिटिल लिटिल बच्चे थे वो। इसके जैसे? इसके जैसे बिल्कुल। बहुत सही प्लेस है यार, एक नंबर, मजा आ रहा है। क्या मस्त जगह है ना, साइड में ग्रीनरी है, इधर साइड में पानी बह रहा है, दोनों साइड पहाड़ है। We have almost reached. Fall सामने दिखाई दे रहा है, इधर चलते हैं, इधर से व्यू अच्छा आएगा। वाटरफॉल इन इंदौर भाई, इससे अच्छा वाटरफॉल नहीं है। सबसे बेस्ट लोकेशन है, सबसे ज़्यादा सेफ है, और हालांकि यहाँ पर नहाना मना है, वहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि वाटरफॉल के नीचे नहाना मना है, लेकिन बहुत लोग नहा रहे हैं, विच इज़ क्वाइट अनसेफ। सब बहुत ज़्यादा अनसेफ क्योंकि गहराई भी कम है और ट्रैकिंग भी थोड़ी सी मुश्किल है, बिकॉज पत्थर बहुत ज़्यादा है, बट डेफिनेटली जगह तो एक नंबर यार। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, इतना अच्छा नेचुरल प्लेस है जहाँ इंडिया में इतनी शांति मिलती है शहर की दौड़ भाग से दूर, तो आई रिक्वेस्ट की यार यहाँ पर देखो ना, बहुत लोगों ने गंदा कर रखा है यार। इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, और इंदौर के लोग यहाँ आकर गंदा कर रहे हैं, तो बहुत गंदी बात है। तो प्लीज़ जगह को साफ रखें, नेचुरल प्लेस है, इसे क्लीन रहें, रहने दें, इसकी ब्यूटी उसी में है।
हाँ जल्दी जल्दी। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा है, पर यहाँ पे जब भी आप आओ शूज पहन के आना, सैंडल पहन के मत आना, क्योंकि मेरी सैंडल अभी टूट गई है। बहुत मजा आया यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप इंदौर की जनता को? ना करें, बहुत गंदा करा हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट बहुत। आई एग्री विद यू, यस, ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट वेदर, ग्रेट वाटरफॉल, इंदौर धूप में मत आना। ये आप मराठी माणूस बोला रे बाबा। लाला अपना एक्सपीरियंस सर्व चांगला आहे। सो भाई साहब मेरा तो यही कहना है कि इंदौर का अब तक का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है वाटरफॉल्स का, क्योंकि इस मानसून में मैं अधिकतर वाटरफॉल्स पे ही घूम रहा था, तो सबसे बेस्ट वाटरफॉल यही है। आई विल सजेस्ट कि आओ, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी के साथ आना, और ये बहुत ज़्यादा सेफ है कंपेरेटिव टू अदर वाटरफॉल्स, बहुत ज़्यादा सेफ है। तो यहाँ आना तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत बच्चों का रहता है कि अगर बच्चों को आप साथ लेकर आ रहे हो तो गोद में उठा के लाना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर में तो वो चल नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय शीतलामाता वाटरफॉल, सी यू अगेन प्रोबेबली नेक्स्ट मॉनसून। बाय बाय।